दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो है सुपर नेपियर की प्लांटेशन कैसे करते हैं, मतलब कि कैसे लगाते हैं। और आज हम दूसरे खेत पे आए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया जो है ये सुपर नेपियर का हमारा खेत है। इसमें तो हम इधर से कटिंग करके पशुओं को अपनी गाँव को खिला भी रहे हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि इसकी पर बीघा जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, एक बीघा में कितना उत्पादन है। तो ये जो है नंबरदार, एक मेढ़ा काटो कोई सा भी, अभी हम एक काटेंगे और इसको तो इसका वजन करेंगे। तो ये जो है एक बीघे में लगभग 2200 से 2500 स्टिक लगती हैं। हमारे यहाँ जो बीघा होता है वो 16 बीसा का होता है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से जैसे आपके यहाँ होता हो। एक बीघा में 2200 से 2500 स्टिक लगती हैं। और देखिए इसकी जो स्टेम हाइट है वो देखिए, मेरे से भी लंबाई इसकी कितनी ऊपर जा रही है, यानी कि मेरा हाथ उठा के भी ऊपर जा रही है और मेरी हाइट लगभग 6 फीट है। तो दोस्तों, ये लगभग 2 महीने पहले हमने लगाया था और एक साल में लगभग 4 कटिंग ये देता है। तो अभी ये हमने एक स्टिक जो लगाई थी जिसका एक मेढ़ा बना है वो हमने कटवाया है और अभी आपके सामने इसको हम कांटे पे तोलेंगे, तो उसी हिसाब से हमारा जो पर बीघे का कितना उत्पादन है वो निकल के आएगा। तो अभी जो है उधर लेके चलो कांटे के पास में। दोस्तों, ये जो है हम अब इसको कांटे पे तोलेंगे। मैं कांटा जो हूँ जीरो कर देता हूँ फोन करके। ये देखिए जीरो, दिखो ये काटा हमारा जीरो है। और अब हम इसको जो है तोलते हैं, कितना वजन इसमें होगा। ये भी रखा जा देखे। ये लगभग 9 किलो 800 ग्राम है, 9 किलो 800 ग्राम। तो अब आप इससे लगा सकते हैं आइडिया कि 10 किलो में 200 ग्राम कम है और 2200 से लगभग 2500 स्टिक एक बीघा में लगती हैं। तो ये तकरीबन अगर हम मान लेते हैं तो 200 एक बीघा में जो है 200 कुंटल के करीब ऊपर बल्कि इसकी उत्पादन क्षमता है सुपर नेपियर की। और एक वर्ष में जिस हाइट में ये है कम से कम हम 4 कटिंग ले सकते हैं। तो 200 कुंटल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 को, यानी कि 800 कुंटल इसका उत्पादन क्षमता है। जबकि हम कोई दूसरा ज्वार बाजरा कोई भी बोते हैं तो वो एक बार की वो इसको बार बार बोना पड़ता है, पहली चीज़। तो ये इसको बार बार बोना नहीं पड़ता है। अगर हमने एक बार लगा दिया है आप जब तक चाहें 2 वर्ष 4 वर्ष इसको कटिंग ले सकते हैं। और जो दूसरी ज्वार बाजरा है उसके उत्पादन जो होती है 35-40 कुंटल मुश्किल से होती है मैक्सिमम। इसकी उत्पादन क्षमता एक ही बार में, ये पहली कटिंग है, आपकी कटिंग आएगी तो इसके जो पौधे हैं ये और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, जैसा कि ये पीछे से बन के आ रहे हैं। ये पहली कटिंग है तो इसकी उत्पादन जो है क्षमता और भी बढ़ जाएगी। लेकिन हम 200 कुंटल ही मान लेते हैं तो पूरे वर्ष में ये 800 कुंटल एक बीघा से हमें मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा जो आज की वीडियो बनाने का मकसद था वो ये है कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा, जिस यहाँ पे हम मुख्य फसल जो है वो गन्ने की है, तो गन्ना हम लगाते हैं तो उस कारण हमें जो है पशु पालन करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पशुओं के न्यार की कॉस्ट बहुत महंगी बैठती है। लेकिन सुपर नेपियर उसका विकल्प है। और दूसरी चीज़ ये है, इसको पशु बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि हमने पीछे से काट के सारा ये खिलाया है। तो और ये पौष्टिक है। अगर आपका गाय भैंस जो भी है वो 10 लीटर दूध देती है, आप इसको खिलाते हैं तो 12 लीटर दूध देगी। दूसरी तरफ अगर आप उसको 10 लीटर पे 4 किलो फीड दे रहे हैं तो आप 1 किलो फीड भी घटा सकते हैं, यानी कि फीड हमारी घटेगी तो पैसा बचेगा और दूध हमारा बढ़ेगा तो भी पैसा बचेगा। तो ये हर एक तरह से जो है उन किसानों के लिए जो पशुपालन करना चाहते हैं बहुत ही एक आज की तारीख में चारे में बहुत ही अच्छा विकल्प है।
क्योंकि हमें जो है दूध के रेट नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमें अपने पशु अपनी गाय भैंसों के लिए ये चीज़ खोज करनी होगी कि जो हमें सस्ते में और ज़्यादा मिले। तो उसके विकल्प में मैं समझता हूँ सुपर नेपियर बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद।